नमस्कार अभिनंदन। प्यारे बच्चों, अभ्यास प्रश्न पत्र 3 के प्रारंभिक प्रश्न हम कर चुके हैं और आज हम जिस प्रश्न को करेंगे उसमें आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें और इसके अंतर्गत आपसे 4 प्रश्न पूछे जाएंगे जिनमें से प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। तो पहला प्रश्न है, जाली घर में रहने वाले सभी जीव एक दूसरे के मित्र बन गए थे, पर कुब्जा के साथ ऐसा संभव क्यों नहीं हो पाया था? तो इसका उत्तर बड़े ध्यान से सुनेंगे। जाली घर के जीव जंतुओं में आपसी प्रेम की भावना थी, परंतु कुब्जा नीलकंठ पर केवल अपना अधिकार मानती थी, जमाती थी। जो भी नीलकंठ के पास आता था वह उसे पसंद नहीं था। खास तौर पर राधा अगर उसके आसपास भी आती थी तो कुब्जा उस पर और अन्य जीव जंतुओं पर वार करती थी, इसलिए सभी जीव जंतु कुब्जा से दूर रहते थे। दूसरा प्रश्न, मीरा को मन भावन सावन क्यों लगा? सावन का महीना मीरा को मन भावन क्यों लगा था? इसका उत्तर आपको लिखना है। तो इसके उत्तर के लिए ध्यानपूर्वक सुनेंगे। मीरा श्री कृष्ण की भक्ति तथा श्री कृष्ण से उन्हें अत्यंत प्रेम था। सावन के आगमन पर काले बादलों को देखकर मीरा को कृष्ण के आने की खबर लगती थी। इस कारण जब भी सावन आता उनका मन खुशी से झूमने लगता। तीसरा प्रश्न, मास्टर जी की आवाज़ अब कम ऊंची थी। वे रेलगाड़ी के बारे में बता रहे थे, मास्टर जी की आवाज़ अचानक धीमी क्यों हो गई थी? इसका कारण आपको लिखना है और इसका कारण है कि मास्टर जी की आवाज़ अब कम ऊंची थी। वे रेलगाड़ी के बारे में बता रहे थे, उनकी आवाज़ धीमी इसलिए हो गई थी क्योंकि अप्पू का ध्यान मास्टर जी की बातों में नहीं था और वह निरंतर कंचों के बारे में सोच रहा था। हाँ, तो तीसरा प्रश्न शायद हम बीच में हमसे स्किप हो गया है, तो हम तीसरे प्रश्न का उत्तर भी समझते हैं। एक तिनका कविता में किस घटना की चर्चा की गई है जिससे घमंड नहीं करने का संदेश मिलता है? एक तिनका कविता में मुंडेर पर खड़े कवि की आंख में तिनका गिर जाने की घटना का वर्णन किया गया है और उस तिनके से किस प्रकार कवि को परेशानी हुई और उनकी ऐंठ निकल गई, इस बात की चर्चा की गई है। और यही घटना हमें घमंड ना करने का संदेश देती है कि हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए क्योंकि हर वस्तु की अपनी कीमत होती है, अपना मूल्य होता है। अगले प्रश्न के लिए हमें पाठ के मध्य से प्रश्न पूछे जाएंगे और हमें उनका उत्तर चयन करना होगा। ये बहुविकल्पीय प्रश्न होगा। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न देखें, कंचे किस में रखे थे? डिब्बे में, जार में, टोकरी में? कंचे जार में रखे थे। मुंडेर पर खड़े कवि की आंख में क्या गिरा? तिनका मच्छर या धूल? मुंडेर पर खड़े कवि की आंख में तिनका गिरा। लेखिका नीलकंठ को किसकी दुकान से लाई थी? अपने एक मित्र की, बड़े मियाँ की, या अपनी बहन की? बड़े मियाँ की दुकान से। गोपियों के दही मथने पर किसकी आवाज़ आती है? गोपियों के दही मथने पर गोपियों के कंगनों की आवाज़ आती है। खरगोश के बच्चे को अपने मुंह में किसने पकड़ लिया था? जी हाँ, इस प्रश्न के लिए नीलकंठ ने, सांप ने या कुब्जा ने, इनमें से एक उत्तर का चयन करना है। खरगोश के बच्चे को अपने मुंह में सांप ने पकड़ लिया था। सांप आ गया था उस जाली घर में और उसने खरगोश के बच्चे को अपने मुंह में पकड़ लिया था और फिर नीलकंठ ने उसकी रक्षा की थी। इस प्रकार अभ्यास प्रश्न पत्र 3 का हल अगले 2 प्रश्न का हमें मिल गया है और अब आगे के प्रश्न पत्र के लिए हम अगली वीडियो देखेंगे। तब तक के लिए आप
इन दोनों प्रश्नों के आठों प्रश्न अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेंगे और जांच के लिए भेज देंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।